सो लॉर्ड्स में खबर यह है कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक नेल बाइटिंग मैच में मात दी है, डाउन टू द वायर जैसे कहते हैं, उस तरह से मैच का नतीजा निकला है। और हमारे साथ बहुत से गेस्ट हैं, बहुत से मेहमान हैं जो ये मैच देख रहे थे, शायद अपने नाखून भी चबा रहे हो। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी हैं, इन हाउस एक्सपर्ट बीबीसी के अब्दुल रशीद शकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई बहुत शुक्रिया। सबसे बात करेंगे, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे लोगों से कि इंग्लैंड के इस नतीजे की जो उम्मीद थी वो मैच के दौरान कितनी ऊपर नीचे आ रही थी? पहले तो उम्मीद नहीं थी, काफ़ी स्लो उन्होंने स्टार्ट किया था, जब टाई हुआ तब तो हमारी सांसें रुक गई थी। अब तो गए समझे कि हम गए, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड न्यूजीलैंड में रहते हैं तो सबने बोला था हम जीतेंगे। तो जहां से हम सभी के ना फ्रेंड काम छोड़ के अपना जहां पे चेयर अप करने आए थे, तो होपफुली इंग्लैंड जीता। आज बहुत खुशी हुई हमें, बहुत खुशी हुई। आप बताएं। बहुत ही स्लो इनिंग्स का शुरुआत थी इंग्लैंड की तरफ से, कभी भी काफ़ी 25 ओवर तक ऐसा लगा नहीं कि वो मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली जीत सकेंगे, जैसा कि पहले इनिंग्स के अख्तिताम पर एंड पे ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया। लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऐसे लग रहा था कभी भी कोई जीत सकता है, ऐसे कभी 100 तक चला था बिल्कुल 100, और यही हमने देखा एंड में भी। सुपर ओवर था ना, पैसा वसूल बिल्कुल 100%। कोई बताएं, आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जीत गया है और होम ग्राउंड में जीता, उसने बड़ी अच्छी गेम की, बहुत अच्छी गेम की। लेकिन न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेला, एक्स्ट्रा ओवर में जाके फैसला हुआ हम इंग्लैंड के साथ हैं, कम ऑन इंग्लैंड, कम ऑन इंग्लैंड के साथ हैं। और शकूर साहब के पास चलेंगे, डिस्कशन को अपना जारी रखेंगे। शकूर साहब, हाँ बिल्कुल, आपसे ही बात करेंगे एक मिनट बस। शकूर साहब ये बताएं जल्दी से पहले कि न्यूजीलैंड के बारे में जो बात हो रही है, मतलब कमाल का कमबैक था एक तरह से उनका भी। टूर्नामेंट से बाहर होने वाले थे, पहले 11 पॉइंट पे पाकिस्तान से बाहर होने वाले थे, फिर इंडिया के मैच में टाइट हो गया था। असल में कोई न्यूजीलैंड को इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे रहा था कि पहले से लोगों ने अपने तौर पर जो परफॉर्मेंस है टीमों की उसमें फेवरेट के तौर पर देखा हुआ था। तो हर एक का ये ख्याल था कि जी इंग्लैंड और इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो फाइनल खेलेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड इस लिहाज से लकी रहा कि उसने भारत का जो मैच था न्यूजीलैंड का जो पहले वो वॉश आउट हुआ, उसके बाद सेमीफाइनल में उनको हराया पाकिस्तान से, वो रन रेट पे तो वो बड़ी लकी टीम रहे, और आज जो है वो अनलकी थे। किसी आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर आखिरी गेंद पर जो है वो जो है ना मंजिल दूर हो गई। क्या आप देख रहे थे गेम? जी जी। क्या आपको लगा बीच में कि न्यूजीलैंड बस अब जीती? नहीं, फ्रॉम स्टार्ट से मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड जीतेगा, तो 92 की निशानियां बाकी तो खत्म होगी, लेकिन एक ये निशानी रहेगी इंग्लैंड जो है 92 में हारा था आज जीत गया। आप बताएं। बस जी, मैच का टर्निंग पॉइंट था ओवर थ्रो वाला, अदरवाइज जो मैच न्यूजीलैंड जीता था, हाँ, वो जो फाइव रन मिल गए थे मतलब, उसके अलावा बहुत कम स्कोर करके भी वो सेमीफाइनल जीता, और इंग्लैंड जैसी टीम को भी टफ टाइम दिया। और विलियमसन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिसने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया अपनी वो कमजोर बॉलिंग और कमजोर बैटिंग लाइन के साथ। बेहतरीन फील्डिंग थी, लेकिन आप नहीं मानते, फील्डिंग बहुत बेजोड़ फील्डिंग की न्यूजीलैंड साहब, फील्डिंग का ही कमाल था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने स्कोर इतना नहीं किया था, 241 जो है, और हम यही समझ रहे थे कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन इतनी लंबी है तो वो आसानी से जो है वो इस स्कोर को कर जाएंगे, जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस चली आ रही थी। लेकिन रन्स रोक रहे थे, कैच ले रहे थे, जिस तरह के कैचेस आज लिए हैं फील्डर्स ने उनके, तो वो कमाल की चीज़ थी। आप बताएं, आप भी देख रहे थे बीच में। मैंने मैच देखी, मैं मैच खेलने गया था, मैं वहाँ से डायरेक्ट फिर मैंने घर जब टीवी में देखी मैच, तो मैं वहाँ ग्राउंड पे भी मैच देख रहा था। बीच में जो इंग्लैंड जो खेल रही थी आफ्टर 20 ओवर थोड़ा स्लो हो गई थी, अगर स्लो नहीं होते तो इतनी विकेट ही नहीं गिरती, और उन लोगों ने थोड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश की कि हम ले जाएं एंड तक। लेकिन बस क्रिकेट एक अपॉर्चुनिटी है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वही हुआ। हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे, हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, कुछ लोग बाहर ग्राउंड से निकल भी रहे हैं। एक्सक्यूज मी, डिड यू वॉच द मैच? आपने मैच देखा? यस। Did you expected England to win? आपको लग रहा था कि? No, it was very, very high profile match, I think, right. I should say. And you think that and it was worth? The result could have been different. Result could have been different. New Zealand could have won. New Zealand could have won. Might be. But India, England won the match as a super cricket, and they deserve it. England deserve it. ये यहाँ के ख्याल हैं। हमारे साथ भाजी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, इंडिया। आप महाराष्ट्र से? हाँ। So, अभी कहाँ, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वैसे सैन अमेरिकन एयरलाइंस का पायलट हूँ मैं, सैन फ्रांसिस्को से सीधा आया लंदन को मैच देखने के लिए इंग्लैंड की। कमाल है, अमेरिकन एयरलाइंस के? हाँ, यस। और मेरा बेटा भी है, वो मैं कैप्टन हूँ। क्या बात है, फर्स्ट ऑफिसर है। क्या बात है। और आप सीधे आए मैच देखने?
बस प्लेन आपने लैंड किया है? लैंड हीथरो पे आए, कहां पर आए? गैटविक पे आए। अच्छा, गैटविक पर, गैटविक पर आए। हाँ, तो मैच देख सकते? मतलब, हाँ, समय पे पहुंचे। तो आपको लगा कि पैसा वसूल हो गया आपका? पूरा पैसा वसूल हो गया। और कैसा है कि बाकी टेक्निकली क्या हुआ, कितने ओवर में कितने रन बनाए, कौन गलत थ्रो हो गई, लेकिन जज्बा से हम ये चाहते थे कि इंग्लैंड जीतना और जीतेगा ही, और जीतेगा तो जीत ही गया, इसलिए जीत गया। आपने देखा मैच, आप बताइए। मैंने बाहर से मैच देखा और वेरी एक्साइटेड था, और मैं हम लोग मोबाइल पे देख रहे थे, बाहर का अंदर का शोर आ रहा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, जब लास्ट ओवर में मैच गया तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था और ये अच्छा लगा कि दिल से लगा कि इंग्लैंड जीता। कहाँ के हैं आप? मैं इंडिया आगरा से हूँ। आगरा से जी। अगर ये मैच आज इंडिया का होता जी इंग्लैंड से, तो क्या होता? किसको सपोर्ट कर रहे होते, क्या सीन होता? ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हम, डेफिनेटली इंडिया। और अगर इंग्लैंड को क्या ज़्यादा सपोर्ट इंडियंस और पाकिस्तानीज का था यहाँ पर, क्योंकि न्यूजीलैंड से दोनों बाहर हुए टूर्नामेंट में? हो सकता है, मैंने भी देखा काफ़ी लोग न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट इंडिया को, फिर इंग्लैंड को। पूरा सपोर्ट आपका इंडिया को था, उसके बाद इंग्लैंड को था, आप बताएं। हाँ, इंडिया ने, इंडिया बाहर जाने के बाद बहुत बुरा लगा, और उसके लिए तो हम यहाँ। इंग्लैंड डिजर्विंग चैंपियंस है कि नहीं? उसके पहले हम ये डिस्कशन खत्म करें। शकुर साहब, इंग्लैंड लोग कह रहे हैं डिजर्विंग है, मतलब आपने तो बहुत वर्ल्ड कप किए हैं, ऐसा मैच कभी देखा आपने? देखें, 87 का जो मैच था, 87 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, शुरू हो चुकी है। जी शकुन साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि 87 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, जो कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीता था, इंग्लैंड की टीम हारी थी 7 रन से, और वो मैच कहते हैं कि बड़ा सबसे टाइट माना जाता है वर्ल्ड कप रन्स के अतबार से। 75 का जो वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज जीती थी, ऑस्ट्रेलिया हारा था 17 रन से। तो ये दो मैच ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि कम मार्जिन से, लेकिन ये मैच जो है ना, ये अलग ही है। इसको जब भी मतलब लोग देखेंगे YouTube पे, या दोबारा जब भी कहीं देखेंगे, तो इस मैच को वो भुला नहीं सकेंगे। जी, मतलब जी, वो इस मैच की जो सनसनीखेजी जो है वो कमाल की थी। और यहाँ पर जितने लोग हैं, आप सबको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप लोगों ने इस मैच को लॉर्ड्स में इतने हिस्टोरिक ऐतिहासिक स्टेडियम में देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया बीबीसी के इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो उसको अपने वॉल्स पर शेयर कीजिए। नितिन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए, शुक्रिया।